भी बाबा बन के बैठ जाता हूँ, आप एक दरख्त के ऊपर कोई रस्सी बांध दे, कोई धागा बांध दे, ऑटोमेटिकली जो अनएजुकेटेड वो उसको मानना शुरू हो जाएंगे। बाबे तो फिर भी उनको कन्वेंस कर लेते हैं, जाते हैं यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गजवा हिंद लड़ना है, आप अपनी कंडीशन तो देख लें, आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं इनको। हिंद में हो जागो जरा सोच लो अंजाम, इंसान बनो इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। अब उन्हें ये काम किया है, एक कली है बेचारी बच्ची, उसको ऐसे काम किया उसने, कली नहीं कलियां कहें क्योंकि 700 खवातीन तो। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी कौम है ये इस्लाम को फॉलो नहीं करती, ये कहते हैं नहीं हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है, ये हम दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आए दूसरे पीर के पास लेके जाएं वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे। और वैसे अगर कोई पढ़ने चली जाए यूनिवर्सिटी उस टाइम आप कहते हो कि बेहयाई आ गई यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप अपने पीरों के पास भेजते हो अपनी बेटियों को उस वक्त बेहयाई नहीं आती। आप एक इंडिया के अंदर मैं खबर पढ़ रहा था कि इसी तरह का एक बाबे ने या इस तरह का कोई वो चीज़ उसको इबरत का निशान बनाया गया, दोबारा इस तरह का वाकया नहीं हुआ। बाबाओं के खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? हम लोग बड़ा कहते हैं ना हमने फलस्तीन में जाकर जहाद करना है, हमने कश्मीर में जाकर जहाद करना है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गंद फैलाया है, जिनके हाथों से माएँ हमारी बेटियाँ हमारी बच्चियाँ वो सेफ नहीं है, आप उनके खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? उसके बारे में एक केस पाकिस्तान के अंदर सामने आ रहा है, एक बाबा आया है जी पाकिस्तान के अंदर जो लोगों जो औरतों की प्रेगनेंसी को ठीक करता फिर रहा है, जिसका नाम है आबिद करंट पीर, और ये खबर सामने आई है उस पर छापा भी पड़ा है, उसने लगभग 700 औरतों को हमला किया है, 700 औरतों को प्रेग्नेंट किया है, और इसी के साथ साथ उसने 10 साल की बच्ची को भी अपनी हवस का निशाना बनाया है। किसी को औलाद नहीं हो रही तो वो आए बाबा जी के पास एक दम करवाए, बाबा जी के नुस्खे पर अमल करे और उनको औलाद हो जाएगी। वो इससे यही कहूँगा कि ये बाबे क्यों बैठे हुए हैं, पहली बात तो ये है कि जो एजुकेशन का मसला है ना पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, और वो लोग हैं जो इलिटरेट हैं आजकल जो मैं देख रहा हूँ, वो लोग भी जा रहे हैं इन बाबुओं के पास जो पढ़े लिखे हैं, इन बाबुओं के पास कुछ भी नहीं है, जो हमारे डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं वो जाके इनके मसाइल हल करते हैं, असल बेसिक ये चीज़ें हैं। किसी लड़की को बच्चा पैदा नहीं हो रहा भाई, उसको बाबे के पास ले जाते हैं, बाबा उसके साथ गलत मलत हरकतें करता है, जो चीज़ डॉक्टर्स ने सॉल्व करनी है, जो चीज़ आपको मेडिकल साइंस से आपको रिलीफ मिलना है, उन लोगों ने बीमारी पकड़नी है, वो बाबा कैसे पकड़ेगा? बाबा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर बाबे क्यों बैठे हुए? ये देखे ना, इसलिए बैठे हुए हैं, लोगों के पास एजुकेशन कम है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को तालीम की कमी है, तो देखें एक आप एक दरख्त के ऊपर कोई रस्सी बांध दे, कोई धागा बांध दे, ऑटोमेटिकली जो अनएजुकेटेड वो उसको मानना शुरू हो जाएंगे। बाप इनको जो पढ़ाया जाता है यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गजवा हिंद लड़ना है, आप अपनी कंडीशन तो देख लें, आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं। देखिए अब हम पीरों फकीरों पर बात कर रहे हैं, 700 औरतों को प्रेग्नेंट किया है, उस पीर ने 10 साल की बच्ची को भी प्रेग्नेंट किया है, तो हम जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो लोग तो फिर प्रेग्नेंट ही हुए जाएंगे। हमने बाबाओं के खिलाफ जहाद क्यों नहीं करते? हम लोग बड़ा कहते हैं ना हमने फलस्तीन में जाकर जहाद करना है, हमने कश्मीर में जाकर जहाद करना है, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर गंद फैलाया है, जिनके हाथों से माएँ हमारी बेटियाँ हमारी बच्चियाँ हमारी जितने भी खूनी रिश्ते हैं वो सेफ नहीं है, आप उनके खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? टू से दैट के हमें वो इस्लाम पसंद है जो हमें अच्छा लगता है, और यहाँ पर तो हवस के पुजारी जो अपने वो लिबादा लिबा के बैठे हुए हैं और इसीलिए बैठे हुए हैं। नहीं जी ये तो नहीं होना चाहिए, क्यों पर्दे में होना चाहिए सारा काम? पर्दे में आप रेप कर सकते हो? नहीं ये नहीं हो सकता, पर्दा रखना चाहिए। औरत पर्दा करती रहे मर्द रेप करते रहे वो तो जायज नहीं है, कभी भी बुरी बात है ये। हमारे मर्दों को ये लगता है क्योंकि औरत बच्चा पैदा करती है तो अगर उसको बच्चा नहीं हो रहा इसमें औरत की गलती है, जबकि मेडिकल साइंसेस ने ये प्रूव किया है कि मर्दों के जो स्पर्म्स निकलते हैं जब उनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, जब उनकी ज़िंदगी छोटी होती है, जब वो डेड हो जाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। इस चीज़ को मानने के लिए हमारे मर्द तैयार क्यों नहीं है? नहीं वो अपना इलाज कराए, लेकिन वो
मौत के घाट नहीं उतार रहा ना, वो तो औरतों को प्रेग्नेंट कर रहा है। इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस ना। थैंक यू जी। किसको कह रहे हैं इंसान बनो? ये जो बाबों ने ये काम किया है, एक कली है बेचारी बच्ची, उसको ऐसे काम किया उसने। कली नहीं, कलियां कहें, क्योंकि 700 खवातीन तो जो आप बता रहे हैं कि उम्र छोटी थी बच्ची की, तो ये तो जो हुआ उसके साथ वो ही जानती है। क्योंकि जालत की इंतहा है कि अपनी माओ और बहनों को जो है ऐसे जो जाहिल पीर हैं उनके पास लेकर जाते हैं, और फिर लेकर जाते हैं यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि कमरे में अलहदा पीर साहब को और औरत को छोड़ दिया जाता है, ताकि जो पीर है वो दम जो है वो यकदम कर दे। ठीक है ना, क्या हमारे जो इधर पाकिस्तान में पीरों के पास भाई लेकर जा रहा है, बाप लेकर जा रहा है, जी ये हमारी औरत जो हमला नहीं हो रही 2 साल से 4 साल से, ठीक है इसे हमला करवाना है, कुछ दम कर दें, वो फूंक मार रहे हैं कि सेब पे, इस तरह के ड्रामेबाजी करता है। हाल ये कहते हैं नहीं, हमारा जो पीर है ना वो औलाद दे सकता है, पीर के अंदर करंट है, हमारे अंदर करंट नहीं है। ये हमारी आवाम भी ये समझती है, क्योंकि इनके अंदर करंट रह नहीं गया, ये अब दूसरों के सहारा लेना चाहते हैं कि दूसरे आए, दूसरे पीर के पास लेके जाए वो जो हमारी औरत को प्रेग्नेंट करे, और शर्म से डूब मर जाना चाहिए पाकिस्तानियों को। वैसे अगर कोई पढ़ने चली जाए यूनिवर्सिटी, उस टाइम आप कहते हो कि बेहयाई आ गई यूनिवर्सिटी में, लेकिन जब आप अपने पीरों के पास भेजते हो अपनी बेटियों को, उस वक्त बेहयाई नहीं आती, तो शर्म करनी चाहिए इन्हें। पाकिस्तान में ना दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आवाम जो है फॉलो करती है, पहली है मर्दाना कमजोरी, दूसरा है जिन बाबा। आप पूरे लाहौर की अगर दीवारों पर देख लेना, सबसे ज़्यादा मर्दाना कमजोरी की जो है वो वॉलपेपर लगे होंगे। तो पाकिस्तानी इतने जाहिल कौम है, इन्हें पता ही नहीं है कि मर्दाना कमजोरी नाम की दुनिया में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान वाहिद है जहाँ इसको बीमारी समझा जाता है। हाल ही में देखे 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, तो दिमाग जो हमारी कौम के खराब हो चुके हैं, इनके जहन में सिर्फ एक सेक्स बैठ गया, इसके अलावा कोई पॉजिटिव थिंकिंग है ही नहीं। हमारे माशरे में आप इलिटरेसी देखें कि इनको ये लगता है कि अगर औरत बच्चा पैदा करती है और उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो खराबी उसी में ही है। हालांकि मेडिकल साइंस ने ये बोला है कि जब मर्द के स्पर्म्स डेड हो जाते हैं या उनका लाइफ साइकिल जो है वो कम होता है तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। हालांकि सबसे पहले साइंसदान कहते हैं शादी से पहले आप अपना स्पर्म टेस्ट करवाएं, रफ्तार है स्पर्म्स की वो कितनी है, उनका लाइफ स्पैन कितना है, सही है वो कितने हेल्दी हैं। हमारे लोग ये टेस्ट नहीं करवाते, बस अगर औरत के साथ मतलब अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो हमने कह देना औरत खराब है जी, लो जी इसकी छुट्टी करवा दो। हाँ मुझे ये बताएं, आपने हमेशा ये सुना होगा कि हमने फलस्तीन में जाकर जहाद करना है, हमने कश्मीर के लिए जहाद करना है, हमने काफिरों के खिलाफ जहाद करना है, हमने गजवा हिंद लड़नी है, व्हाई नॉट जिहाद अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ मौलवीज एंड बाबाज जो लड़कियों को, मासूम बच्चियों को प्रेगनेंट कर रहे हैं, उनकी इज्जतें लूट रहे हैं। भाई ये सारे क्राइम्स तो हमारे अपने मुल्क में हो रहे हैं ना, दरिंदे तो हमारे अपने मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं ना, क्या कहते हैं आप? जी देखिए, इस्लाम में जो सबसे बड़ा जिहाद है ना वो अपने नफ्स के खिलाफ है। ये मारें आप जना 5 साल की बच्ची के साथ कर रहे हैं और आप ये बात करते हैं कि आप जाके कश्मीर आज़ाद करवा लेंगे, तो ये आपका वहम गुमान है। जज्बा हिंद लड़ लेंगे, आप में जज्बा इतना है, आप ये कर लेंगे, आप वो कर लेंगे, नहीं कोई जज्बा नहीं है जी। देखो शर्म से डूब मरने का मकाम है, 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती कर रहे हो, और आज़ादे हमारे पाकिस्तान में कोई औरत रात टाइम फिर नहीं सकती है लहदे में, और आप कहते हो हम दूसरे मुल्क जाके आज़ाद करवा देंगे। पहले हमारे यहाँ ढोंगी पीर जो है वो प्रेगनेंट कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो 5-5 साल बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, और हम अगर खामोश रहें तो सबसे बड़ा जुल्म हमने किया है। वो हमें बोलना चाहिए, ऐसे जो पीर फकीर हैं पाकिस्तान में इन सबका बाइकाट करना चाहिए। और ये देखिए हमारी आवाम बहुत बड़ी जाहिल है, तो उनको इस तरह के सुपरस्टिशन से बहुत ज्यादा बिलीव है जी। यानी कि आप देख लो कि सूरज देखोगी आपकी जो प्रेगनेंसी खत्म हो जाएगी, माँ जो है अगर झुके कोई चीज उठाएगी प्रेगनेंसी खत्म, अगर मेहमानों ने आके माशाल्लाह नहीं बोला तो प्रेगनेंसी खत्म। ओ भाई अल्लाह का नाम लो यार, चाइना वाले देख लो हमसे ज्यादा खूबसूरत हैं लेकिन उनको नजर नहीं लगती। हमारे यहाँ कोड़ा सा बंदा होगा ना वो कहेगा जी मेरी नजर लग गई, मेरे बुखार हो गया। भाई ड्रामे छोड़ दो यार, मैं ये कहता हूँ कटरीना कैफ इतनी खूबसूरत एक्टर है, उसको नजर क्यों नहीं लगती? हमारी जो औरतें हैं मतलब उनको क्यों नजर लगेगी? ये सारी जो हमारे इंसान की जो है मनफी सोच है मुसलमानों की। हाल ही में पाकिस्तान के एक तथाकथित पीर बाबा अबिद हुसैन शाह पर 600 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। ये मामला सामने आने के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। अबिद हुसैन शाह को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में फैसलाबाद के समीप गोजरा इलाके में गिरफ्तार किया गया है। वह एक धार्मिक नेता और पीर बाबा के रूप में स्थानीय लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध था। रिपोर्ट्स के अनुसार अबिद हुसैन शाह ने धर्म और आस्था का फायदा उठाकर महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। वह महिलाओं को उनके जीवन में आई समस्याओं के समाधान का दावा करते हुए अपने पास बुलाता था। जब महिलाएं उनकी बातों पर विश्वास कर उनके पास जातीं, तो वह उनके साथ दुष्कर्म करता था। यह भी कहा जा रहा है कि उसने इस पूरे कृत्य को धार्मिक कर्मकांड और तंत्र मंत्र का हिस्सा बताकर अंजाम दिया।
आरोप है कि अबिद हुसैन शाह ने न केवल महिलाओं को मानसिक रूप से शोषित किया बल्कि उनकी आस्था और विश्वास के साथ भी खिलवाड़ किया। ये मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित महिला ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वह कई वर्षों से इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके आश्रम और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से कई आपत्तिजनक सामग्री और सबूत बरामद किए गए। अबिद हुसैन शाह पर लगे इन आरोपों ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया है और लोग मांग कर रहे हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस घटना ने धार्मिक नेताओं और पीर बाबाओं पर से लोगों का विश्वास कमजोर किया है और समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठाए हैं। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।